वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने समो के आटे की रोटी बनाई है, जिसको सिंधी में सावरी बोलते हैं, मराठी में बगर बोलते हैं। तो बगर और सावरी के आटे की मैंने ये रोटियां बनाई है, क्योंकि आजकल सब हेल्थ फ्रीक हैं, कोई भी फ्राइड पूरी खाना पसंद नहीं करता है। श्रावण का महीने में भी आप ये खा सकते हैं, नवरात्रों में या कोई भी उपवास में आप ये खा सकते हैं। बहुत ही नरम रोटी, ये देख रहे हैं आप, बहुत नरम रोटी बनके तैयार हो गई है। और चलिए तो अब देखते हैं इसकी विधि। अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम समो के आटे का रोटी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप पानी बॉईल करने के लिए रखा है, और स्वादानुसार मैं इसमें सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ मैं, और अब इसको बॉईल होने तक रुकूंगी। पानी बॉईल हो रहा है, मैं 1 कप आटा ले रही हूँ, जो एकादशी में हम आटा, एकादशी या उपवास में आटा खाते हैं। गैस मैंने बंद कर दी है। ये एकादशी या नवरात्रि में हम इसका पूरी बनाकर खाते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से पूरा मिक्स करूँगी। ये मिक्स हो गया है और इसको मैं 5 मिनट्स कवर करके रख देती हूँ। अब मैंने ये निकाल दिया है एक प्लेट में या परात में, अपने हाथों को ऑयल लगाया है और इसको अच्छी तरह से नीट करती हूँ। थोड़ा इसको मस लेंगे हम, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है तो इसको मसलना पड़ता है। अच्छी तरह से इसको मसलेंगे हम। गरम भी है। अब ये अच्छी तरह से नीड हो गया है। इसके छोटे छोटे हम लोग बॉल्स बनाएंगे। अब इसको सूखे आटे में डस्ट करके और इसको हम बेलेंगे। ये देखिए, बिल्कुल हम इसको उठा भी सकते हैं। तवा गरम हो गया है, पहले मैं इस पे थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ और ये रोटी डाल दिया मैंने तवे पर। लो फ्लेम पर मैंने इसको पकने के लिए रख दी है। अब इसका साइड चेंज करते हैं हम। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। अब मैंने फुल फ्लेम कर दिया है, ये हल्की हल्की फूल भी रही है। बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल नरम रोटी बनके दोनों साइड तैयार हो गई है। और अब मैं दूसरी रोटी भी फुल फ्लेम पर ही पका रही हूँ। थोड़ा सा दोनों तरफ ऑयल भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल रही है।